खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जिले की क्लेमेंटाउन थाना पुलिस की नाकाबंदी के दौरान एक बदमाश के साथ आशारोड़ी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार आशारोड़ी क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी, इस दौरान पुलिस टीम के एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मनोज सिरोही के पैर में गोली लगी है और वह ऋषिकेश में ज्वेलर प्रवीण कुमार की दुकान में लूट की वारदात में शामिल था। वह दोबारा लूट की फिराक में मेरठ से देहरादून की तरफ आ रहा था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। दिनांक 18 मार्च को एक लूट की घटना थाना ऋषिकेश क्षेत्र में हुई थी, जिसमें की वादी श्री प्रवीण शर्मा थे, जो कि दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। तो 18 तारीख की शाम को वो अपना काम करके वापस आ रहे थे। रास्ते में दो बदमाश जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा हथियारों के बल पर उनसे लूट की गई। लूट में कुछ नकदी और कुछ ज्वेलरी का सामान जो उनके पास बैग में था वो छीन कर वो फरार हो गए। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे द्वारा तत्काल नाकेबंदी करवाई गई और जो सर्विलांस हेतु और जो मैनुअल ग्राउंड वर्क के लिए हमारी टीमें लगाई गई। सर्विलांस और जो मैनुअल ग्राउंड वर्क हमारे द्वारा किया गया तो उसमें एक मेरठ का जो गैंग है वो प्रकाश में आया, तो उनकी गिरफ्तारी है तो दबिश से तो हमारी टीमें जो है मेरठ रवाना की गई। तो वहीं से सूचना प्राप्त हुई, जो ऑन ग्राउंड हमारी मेरठ में टीम काम कर रही थी उसके द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बदमाश जिसका कि नाम मनोज सिरोही है वो दोबारा घटना के प्रयास हेतु जो है वो बिहारीगढ़ की ओर से देहरादून की ओर आ रहा है।